नाम है अभिषेक सिंह और वेलकम ऑन टेक्निशियन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब होता क्या है, समझो अगर आपकी जी की वैल्यू मुंबई में हो और आप मुंबई में आप जी की वैल्यू सम स्पेसिफिक है आपकी 9.78 समथिंग, उसी टाइम पे आपका जी की वैल्यू अफ्रीका अमेरिका वहां पर फाइंड आउट करना है। दैट मींस वो लैटिट्यूड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मींस अर्थ की सरफेस पे कैसे जी की वैल्यू अलग अलग जगह के हिसाब से चेंज होती है। तो यहाँ पर वही कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके जो ड्राइंग है वो आपको बाजू में शो हो रही है, वो ड्राइंग को देखो और मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एक आपका अर्थ है, आपके अर्थ में कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट मींस मिडिल वाला पार्ट इक्वेटर है। इक्वेटर मींस जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और बीच वाला वाई एक्सिस वो है पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल लाइक दैट। ठीक है, अब अगर जो अपना अर्थ है वो सर्कुलर फॉर्म में है, दैट मींस आपकी एक पोजीशन साइड में है और उसके ऊपर आप किसी भी एक स्पेसिफिक जगह पर हो। तो यहाँ पर आप ड्रॉइंग को अच्छे से समझ लो। तो वहां पर बताया गया ये है कि पी ओ वन इज इक्वल टू आर, दैट मींस स्मॉल आर, दैट मींस आपका आप जहां पर हो वहां से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कंसिडर किया है स्मॉल आर। रेडियस तक का नहीं, रेडियस मीन सेंटर तक का नहीं, सेंटर तक का जो रहेगा वो कैपिटल आर रहेगा। आपका जो पोल है वहां के एक्सिस तक का जो रेडियस है उसको कंसीडर किया गया है स्मॉल आर। उसके बाद एंगल ई ओ पी इज इक्वल टू फाइ, अभी आपको पता है जेड फॉर्म होता है, दैट मीन्स एंगल ई ओ पी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल पी ओ एन के, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा फाइ। ठीक है, अभी सेंट्रिपिटल फोर्स हम लोग को फॉर्मूला पता है फ्रॉम सर्कुलर मोशन, दैट इज ए आर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ओ पी वन इन ट्राइंगल ओ पी ओ पी ओ वन। ठीक है, इसमें अगर हम लोग कॉस फाइ लगाते हैं, ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा पी ओ वन डिवाइड बाय पी जीरो, दैट मींस पी ओ वन की वैल्यू क्या है स्मॉल आर एंड इसकी वैल्यू है कैपिटल आर। अभी आपको जरूरत किसकी है स्मॉल आर की, तो वो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट मींस स्मॉल आर इज इक्वल टू ट्राई मल्टीप्लीकेशन। ट्राई मल्टीप्लीकेशन मींस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस फाइव, दैट मींस आपके पास आर की वैल्यू आ गई स्मॉल आर की। ये वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं मींस इक्वेशन में। तो ए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R की वैल्यू जब भी हम लोग पुट करेंगे तो आएगा R cos phi into omega square, easy, ठीक है? बट ये रेडियल एक्सेलरेशन है। हम लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फर्स्ट चैप्टर, अभी आप जाओगे तो वहां पर आपको पता चलेगा ये रेडियल वैल्यू मीन्स टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर cos phi। ठीक है, ए आर की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू अगर हम लोग इधर पुट करेंगे तो ए आर कॉस फाइ मीन्स ए आर की वैल्यू है आर कॉस फाइ इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस फाइ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ, दैट मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अभी ये ए क्या है, आपका एक्सेलरेशन एट दैट पोजिशन, बट आपका जो है वो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी वन, जी जो होता है वो भी क्या होता है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ये आपका टोटल एक्सेलरेशन एट दैट पोजीशन, दैट मींस अगर आपको उस पोजीशन का ग्रेविटी निकालना है तो क्या हो जाएगा जी वन, जी वन मीन्स जहां पर आप हो इज इक्वल टू टोटल मीन्स अर्थ की जो ग्रेविटी है माइनस ए आपका जो वहां पर रेडियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और ये जो जी है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी वन इज इक्वल टू जी माइनस ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ। ठीक है, ये मींस आपका वैल्यू आ गया जी इज इक्वल टू जी वन मीन्स आपके जहां पर हो वहां की एल्टीट्यूड के हिसाब से जी की वैल्यू इज इक्वल टू कैप स्मॉल जी टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, अभी ये आपका सॉल्व हो गया। अभी सिर्फ और सिर्फ दो केसेस देखते हैं। हम लोगों ने जी का फॉर्मूला तो फाइंड आउट कर लिया, मीन्स
इसकी वैल्यू आ गई। अब दो कंडीशन है, केस वन, केस फर्स्ट एट इक्वेटर। अज्यूम करो कि आपका ये ड्राइंग में देखो, ये आपका हो गया क्या अर्थ, अर्थ में इक्वेटर, दैट मींस ये वाला भाग जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इक्वेटर पे अगर हम लोग इसको एक सर्कल अज्यूम करें, दैट मींस यहां पर एंगल कितना होगा, जीरो। तो एट इक्वेटर फाइ इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो। दैट मींस अगर फाइ की वैल्यू हम लोग जीरो पुट करेंगे तो कॉस फाइ होता, कॉस फाइ, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। दैट मींस ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। दैट मींस ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, जी वन इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, इजी। ठीक है, दैट मींस हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, जी ई, जी की वैल्यू एट इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, खत्म। सेम केस टू, केस टू यहां पर हम लोगों ने अज्यूम किया इक्वेटर। नेक्स्ट हम लोग अज्यूम करेंगे पोल्स, मींस नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। पोल्स पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर हम लोग इधर पुट करेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। दैट मींस जी एट पोल पी, मींस जी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मींस ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी जीरो। दैट मींस पोल्स पे वैल्यू क्या होती है, जी। दैट मींस जो टोटल जी है ना, वही वैल्यू हो जाती है आपकी पी पे। दैट मींस जो हम लोग अज्यूम करते हैं 9.8। तो ये थे दो केसेस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बी टेकी, बी रिलीजियस एंड बी एजुकेटेड गाइस। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ऐसे और वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अगर कोई वीडियो पार्ट्स में है तो आप उसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बी टेकी, बी रिलीजियस एंड बी एजुकेटेड गाइज।